शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITM के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। स्कोर हाई अनाउंसेस फ्रेश बैच फॉर IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए अब बाहर क्यों जाना, जब आपके शहर में ही कोटा के यंग IITians के गाइडेंस में कराई जा रही हो पूरी तैयारी। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, सो हाई अप। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान के झील का जो नाम है, तो हमने आपको हॉटपिक्स बनाया, अभी बताया हॉटपिक्स हमें यहाँ पर बनाए हैं। तो राजस्थान के जो नाम है, राजस्थान के झील, प्रमुख झील है या जो भी झील, तो राजस्थान के झील का नाम लेते हैं। राजस्थान के झील का जो नाम है वो DP को जरफा पारो, ये मेरे दोस्त का नाम था, इसलिए हमने यहाँ पर हॉटट्रिक्स बनाए हैं। आपको यहाँ पर सिंपली आपको याद रखना है कि जो ट्रिक्स हैं वो अलग तरीका से हमने ट्रिक्स बनाए हैं। तो यहाँ से जो है DP को जरा फंसा लो, किसको फंसा लो, DP को जरा फंसा लो, मेरा DP दोस्त है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रिक्स बनाया। तो यहाँ पर DP को जरा फंसा लो, क्यों फंसा लो, देखिए आप डी से बिरवाना जिलो जगह, डी से कौन सा जिलो जाएगा, डिडवाना जिलो जाएगा, और पी से आपका पिछौला जिलो जाएगा, कौन सा जिलो जाएगा आपका पिछौला जिलो जाएगा, और जो जय समंदर जिलो जाएगा, रा से राजसमंदर जिलो जाएगा, फ से फतेह सागर जिलो जाएगा, सा से सांभर जिलो जाएगा, लू से आपका लुड़का जिलो जाएगा। याद आपको ध्यान देना है कि राजस्थान के जो झील का नाम है, राजस्थान के झील का जो नाम है क्या है आपका, DP को जरा फंसा लो, किसको फंसा लो, DP को जरा फंसा लो, तो डी से डिडवाना झील और पी से आपका पिछौला जिलो जाएगा, जो से जय समंदर जिलो जाएगा, रा से राजस्थान झील और फ से फतेह सागर झील और सा से सांभर झील, लू से आपका लुड़का जिलो जाएगा। डाउट है किसी को? तो इस तरीके से आपको जितने ट्रिक्स है आपको ट्रिक्स को याद करना है। तो यहाँ से सिंपली आपको ट्रिक्स आता है कि किसको आपको कर रहा है, डीपी को जरा फंसा लो, क्यों, क्योंकि चलना है होटल, थोड़ा सा एंजॉय करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है डीपी को जरा फंसा लो, क्योंकि राजस्थान के सारे झील का नाम आपको याद आ जाएगा। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ठंडी जलधारा, यहाँ बात करते हैं ठंडी जलधारा हो या गर्म जलधारा हो या कोई सा भी जलधारा हो, तो यहाँ ठंडी जलधारा की बात करते हैं। यहाँ से हॉट ट्रिक्स आता है, ओके पेरू, कौन पेरू, ओके पेरू, ओके ओके ओके, यहाँ पर ध्यान दे रहा है ओके पेरू, क्योंकि ठंडी जलधारा, गर्मी में ठंडी जलधारा चाहिए, ओके पेरू। यहाँ से वो आपका उखेटस, यहाँ से जो हुआ था उखेटस, और क से आपको जो है के से जो आ जाएगा क्यूराइल, जो आपको कैलिफोर्निया बोलते हैं, यहाँ से ओकेटस, यानी ओकेटस हो जाएगा, के से आपको हो जाएगा क्यूराइल, कैलिफोर्निया हो जाएगा, और पेरू से हो जाएगा पेरू हेम्बोल्ट, यहाँ से जो आता है कि पेरू हेम्बोल्ट, तो ठंडी जलधारा हो गया एक, ओके पेरू, यानी ठंडी जलधारा आपको क्या बोला, ओके पेरू, ओकेटस, के से आपको क्यूराइल प्लस आपका जो हो जाएगा कैलिफोर्निया, और पेरू हो जाएगा पेरू हेम्बोल्ट। तीसरा क्वेश्चन था विश्व के प्रमुख छोटे देश, बड़े देश छोटे देश, यहाँ से ध्यान देंगे कि विश्व के प्रमुख आपका छोटे देश बढ़ते क्रम में, यहाँ से जो है विश्व के प्रमुख छोटे देश जो है बड़े देश है, कौन सा देश है, यहाँ से छोटे देश देखते हैं, विश्व के प्रमुख जो बड़े देश था उसको हमने देखा थे, आप देखेंगे विश्व के प्रमुख छोटे देश, वही बढ़ते क्रम में, क्यों आपका बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर आ जाएगा व्योपासनम, कौन सनम, व्योपासनम, क्यों, क्योंकि छोटे व्योपा ही होते हैं, इसलिए छोटे आपका हो गया, तो छोटे यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर इसलिए कि हमने इसको हॉट ट्रिक्स बनाए हैं, विश्व के प्रमुख छोटे देश ट्रिक्स बनाए हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रिक्स बनाए हैं कि हमको याद हो जाए कि विश्व के प्रमुख छोटे देश कौन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो वे हो जाएगा वेटिकन सिटी, सबसे छोटे देश है आपका, फा फालेंड, सर्निपोर, ना नारोर, मालदीव, ये आपका सब जो देश है ये सब छोटे देश है, यहाँ तक आपको व्यवस्थापन आ गया, विश्व के प्रमुख छोटे देश है बढ़ते क्रम में, तो आपको व्यवस्थापन बोला देश है वेटिकन हो जाएगा सिटी, और फा से फालेंड, सर्निपोर, ना से नारोर, मौ से मालदीव, डाउट किसी को। यहाँ से चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका रुपया मुद्रा चलाने वाला विश्व के देश भारत, तो यहाँ से जो रुपया चलाने वाला है विश्व का देश बने, एक देश नहीं, आपको भारत का देश हम नहीं पूछ रहे हैं, आपको ये देश नहीं पूछ रहे हैं, आप पूरे विश्व का पूछ रहे हैं, विश्व का जो देश है, तो यहाँ से आपको आता है कि भारत का विश्व का जो देश है, तो यहाँ से आपको आता है कि रुपया चलाने वाला जो है, रुपया मुद्रा जो है, रुपया मुद्रा चलाने वाला विश्व का देश है, एक मेरे मामा है, उसने मामा पर ही एक टैक्स पड़े से बनाते हैं, भारत से मामा सिर ने पाया रुपया, मामा सिर ने काफ़ी उसे मेहनत करते हैं, काफ़ी पैसे देते हैं, जैसे हमने उसी पटरी में बना दी, बात करते हैं तो कि यहाँ से हम उस वक्त मामा जी भी ठीक बनाए, हम उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अगले चैप्टर में, उनके भी हॉट ट्रिक्स लाएंगे, दोस्तों को भी ट्रिक्स बना रहे हैं, तो यहाँ से भारत से मामा श्री ने पाया रुपया, कितना पाया, यहाँ पर बात करते हैं भारत, भारत में रुपया मुद्रा चलता है, सब लोग जानते हैं भारत में रुपया मुद्रा हमेशा यूज करते हैं, आपका जो भारत से हो गया सेल्स, मालदीव, मामा जो माँ हो गया मॉरिशस,
हो गया, तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यानी ये सारे देश रुपया मुद्रा चलाते हैं। तो ये हो गया आपको भारत से मामा श्री ने पाया रुपया, आपको लगाना है भारत से मामा श्री क्या, मामा श्री ने पाया भारत से रुपया, इसलिए क्योंकि रुपया मुद्रा चलाने वाला विश्व का ये देश है। तो भारत आपका हो गया सेल्स, हो गया माँ मालदीप, हो गया माँ मॉरिशस, और सिर्फ श्रीलंका हो गया नेक्स्ट नेपाल, और पास है पाकिस्तान। ऐसे करके आप याद रखिए, एक बार हॉल ट्रिक्स आप याद करिए, भविष्य में कभी भी नहीं भूलेगा। यहाँ से आपको हो गया भारत सेल्स, माँ मालदीप, माँ मॉरिशस, श्रीलंका, नेक्स्ट नेपाल, और पास है पाकिस्तान। बोले एनीबडी डाउट किसी को? यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में चलते हैं। तो भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन सा होता है? कृद कौआ, गंटूर तारा, चीक चमचे, आशिकलारा। आपको बताते हैं भवार्थ, जैसे गुरु नानक के भवार्थ, रसकान जी के भवार्थ, बहुत सारे भवार्थ होता है, इस तरह से भवार्थ हमने बताते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका भवार्थ बनाना पड़ेगा और दोहे के अनुसार नहीं चलेंगे तो उसमें आप नहीं समझ सकते हैं कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे और फिर उनका मृत्यु कब होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में आपको दो दो तरीके से बताना है, कौन सा जो वस्तु है कहाँ पर आविष्कार हुआ है और उसका जगह के भी बताना पड़ेगा, वस्तु का नाम भी होता है, इसलिए कुछ दोहा बनाने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर हॉट ट्रिक्स के दोहे भी बनाए हैं। यहाँ पर आपको बोलना है कृद कौआ, गंटूर तारा, चीक चमचे, आशिक लारा। यहाँ पर सिंपली सा आपको ये हॉट ट्रिक्स में आता है, कृद कौआ, गंटूर तारा, चीक चमचे, आशिक लारा। यहाँ बताना है कृषि, कृषि, कृ हो जाएगा कृद, 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 ध्यान रखिए कृद, क्री हो जाएगा कृषि, और द से हो जाएगा जो दिल्ली हो जाएगा, कृषि जो होता है आपका दिल्ली। कौ 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 कौआ कौआ कौ कौ जो होगा ये हो जाएगा टपरा, आ अहमदाबाद। ग गन्ना, गन्ना तो ग हो जाएगा आपका गन्ना, टूर जो हो जाएगा आपका कोयम्बटूर हो जाएगा, तो यहाँ से कोयम्बटूर बोल सकते हैं। ता तंबाकू, राजमुंद्री जो होता है राज, ची चिन्नी, और का से कानपुर हो जाएगा, च चमरा, ची से आपका चेन्नई हो जाएगा, आ आलू, शिमला, सी से, और ला ला हो जाएगा, लाह जो होता है आपका तो लो हो जाएगा, और रा से आपको राज्य हो जाएगा। तो यहाँ से भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कृद कौआ, गंटूर तारा, चीक चमचे, आशिक लारा। आपको हॉट ट्रिक्स याद करके रखिए, आपको 100% आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको याद आएगा। इससे भी हॉट ट्रिक्स आपके नेक्स्ट जल्दी से कर लीजिए, और दूसरे में जाते हैं तो इससे भी हॉट ट्रिक्स हम लेकर आते हैं। आपको हर क्वेश्चन का हम ऐसा ऐसा देंगे जो आप हमेशा याद करिएगा, यानी आपको एक